प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान हैं अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश के शोधकर्ताओं में से एक श्री नेफा वांगसा, जिन्होंने अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश के शोध में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेफा वांगसा ने लोंगडिंग जिले के वांचो वॉरियर्स के बारे में भी रिसर्च किया है, जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाए थे। उन्होंने इन बहादुर वांचो वॉरियर्स के बारे में न केवल गहरा रिसर्च किया है, बल्कि इन वॉरियर्स पर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम है द नीनू मैसेकर। तो आइए बातें करते हैं श्री नेफा वांगसा से और जानते हैं और भी बहुत कुछ। हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद नेफा जी। जब हम अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, जब इनके बारे में रिसर्च करने की बातें हो रही थी, तो उनमें से आपका भी एक नाम है और आपने भी रिसर्च किया, तो इस बारे में कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद जो हमें यहाँ बुलाया है इस रिसर्च के या अनसंग हीरो के ऊपर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। ये हमारा अनसंग हीरोज और वांचो कम्युनिटी का जो अनसंग हीरोज है, वो 1875 में जब ब्रिटिशर्स लोग वांचो लैंड में जब आया, तो नीनू राजा ने लीड करके, जिनके नाम वो हुनजिंग वांगहाम है, जिसने लीड करके, या उसका भाई वांगचिन वांगसापा ने लीड करके ब्रिटिशर्स को भगाया था। तो वो कहानी तो इट वॉज लिमिटेड मैंने टू द ओरल टेल्स। हमारा जो गाना में हमारा जो कुछ शब्दों बोलता है ना, या हमारा नाम जिस बच्चा जब नामकरण करता है उसमें, या उस हमारा फोकलोर फोक टेल्स में ही सीमित था। तो मैं बचपन से ये सोचते रहता था कि इसको कभी दिन डॉक्यूमेंट करना चाहिए, या उसके ऊपर कहानी ढूंढना चाहिए, इसके ऊपर एविडेंस रिकॉर्ड ढूंढना चाहिए। तो ऐसे करते करते हमारा जो नीनू मैसेकर जो किताब था 2018 में रिलीज कर पाया। जी जब हम बातें करते हैं अरुणाचल प्रदेश के ब्रेव हीरोज के बारे में, जिनके बारे में बहुत गहराई से रिसर्च की गई है, तो इसमें आपका भी एक नाम है। हाँ जी, ये अभी हमारा जब भारत देश जो है 75 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिया, आजादी की अमृत जो कैंपेन चल रहा है, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी हमारा स्टेट में पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में ये स्टेट असेंबली में अगस्त 2021 में एक निर्णय लिया कि हमारे उप मुख्यमंत्री जो चौनामिन साहब है, उसकी नेतृत्व में एक स्टेट कोर कमेटी ऑन अनसंग हीरोज घोषित किया। वो लोग जिसके ऊपर वो स्टेट कोर कमेटी ऑन अनसंग हीरोज जो है, और रिसर्च टीम बनाया। वो रिसर्च टीम जो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे स्टेट का, उसको दिया है, जिसमें हिस्ट्री डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट बना के, और जिसके अंदर में काफ़ी सारा एकेडमिशियंस प्रोफेसर्स सबको बुलाया, और हम लोग जो यंग रिसर्चर्स लोग हैं, हम लोग को भी हमें शामिल करके हम लोग काम किया है। आपको ये मौका कैसे मिला? मैं वांचो समाज के लिए जो हमारा जो बहुत फेमस वार था, जो नीनू मैसेकर जिनके नाम में अभी ये रिकॉर्ड्स में, हिस्टोरियल रिकॉर्ड्स में मिलता है, तो उसके ऊपर काम कर रहा था। मैं हमेशा ये विचार रखता था कि कभी दिन हमारा वांचो भी, मतलब ये जो अनसंग हीरोज को सम्मान करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और हमारा जो आइडेंटिटी को, इट विल एड टू द आइडेंटिटी, द फ्लेवर ऑफ द वांचो ट्राइब, जिसको हम लोग हेड हंटर्स बोलता था पहले, उसके ऊपर काम कर रहा था। काफी साल से मैं काम कर रहा था, तो एक दिन मैं ताइता का सबको मिला, जो चीफ मिनिस्टर है, जिसके जरिए मैं हमारा जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू साहब को मिला, जिसके ब्लेसिंग से मैंने एक किताब लिखा। और उसके बाद मैं जब काम किया, और जब मेरा अकाइबल कलेक्शन शुरू किया, मेरा सारा कलेक्शन है अकाइबल का, अकाइब्स जो है ना, तो मैं एक दिन हमारा जो डीसीएम साहब है चौनामिन साहब को मिला, जब मैं उसको दिखाया कि हमारा वांचोस में एक ऐसे वार्ड था और ये दब गया है, उसको हम लोग आगे निकलना है, तो हमारा डीसीएम साहब भी बोला कि दाई खमजी का भी 1839 का बहुत फेमस वार है, उसको भी आप ढूंढ के निकलना है, आप तो बहुत साल से काम कर रहे, आप जानेगा बोल के। तो मैंने हाँ कह के मैं काम शुरू किया है, ताई कमती और वांचो दोनों के ऊपर में। तो मैं काफ़ी अकेबल रिकॉर्ड्स निकला, जब हमारा अनसंग हीरोज के ऊपर मैं कमिटी जब गठन कर रहा था, उसमें हमारा काम ऑलरेडी हाफ डन था, तो हमको कोऑप कर लिया जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ने, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी हमको बोला कि अब इसके साथ जोड़ के काम करना चाहिए। तो मैं हाँ क्यों नहीं, हमें क्योंकि हमारा समाज को आगे ले जाने के लिए एक मौका मिल रहा है, तो मैं भी उसमें शामिल होकर काम किया। आपने बताया कि किस तरह से आपको ये मौका मिला रिसर्च करने का, यानी अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जब ये शुरुआत हुई रिसर्च करने की, क्योंकि रिसर्च करना वो भी अनसंग हीरोज के बारे में, जिनके बारे में लोग नहीं जानते थे, तो इसकी जो शुरुआत है किस तरह से हुई? हमारा अरुणाचल में जो जनजाति है, काफी जनजाति है जो ब्रिटिश के चल रहा, लेकिन वो लोग का भी ओरल टेल्स में ही सीमित था। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो रिसर्च टीम जब फॉर्म किया कि हम लोग ये जानना कि हम लोग इसके ऊपर गौर लेना चाहिए, तो हम लोग क्या किया, पहले पूरा डिस्ट्रिक्ट पायलट सर्वे किया और सब जनजातियों को मिला जो ओरल टेल्स में, आपका फोक लोर्स में, कभी जो ब्रिटिशर्स के साथ, जो कॉलोनियल पावर्स के साथ लड़ने का कोई कहानी है क्या, पूछा हम लोग ना। और 25 डिस्ट्रिक्ट हम लोग पायलट सर्वे किया, जब रिसर्च टीम बनाया तो 4 ग्रुप्स में बनाया, भाग करके जो डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दिया, करीब 5-6 डिस्ट्रिक्ट एक टीम को मिला, तो हम लोग सब डिस्ट्रिक्ट में गया और पायलट सर्वे किया। इसके बाद हम लोग पायलट सर्वे करने के बाद हम लोग हमारा जो बुक लिटरेचर रिव्यू किया, फिर अर्काइवल मेटेरियल ढूंढने के लिए शुरू किया। अर्काइवल मेटेरियल ढूंढने के बाद उसको पढ़ के धीरे धीरे निकलने के लिए हमारा जो कहानी है उसको हम लोग लिखने शुरू किया। तो जैसे अभी आपने कहा कि एंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के जैसे आपने भाग किया कि किस तरह से आप रिसर्च करेंगे, इस बीच आपको कौन कौन से मोस्टली कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले या फोक टेल्स मिले या स्टोरी मिले या कुछ हिस्ट्री मिले जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? हमारा जो स्टेट में जैसे 26 जनजातीय बोलते हैं ना हमारा जो स्टेट में जी, उसमें से हमारा जो टीम को या मतलब मैं तो जैसे रिसर्च असिस्टेंट हूँ, हमारा जो जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो रिसर्च टीम है, हम लोग जब गया तो 8 जनजाति मिला जिनके नाम मैं ले सकता हूँ, जैसे वांचो हो गया, ताइखमती हो गया, मिसमी हो गया, अदी हो गया, देन निशी हो गया, सिंगफो हो गया, गालो हो गया और अक्का हो गया। 8 जनजाति के जो सीबीओस है ना, सीबीओस लोगों ने हमें बताया, पब्लिक हमें बताया कि ये लोग जो है ब्रिटिश के साथ एंगेजमेंट से कन्फ्रंटेशन से। आपको कुछ लगता है कि कुछ ऐसे भी ट्राइब्स होंगे जो अभी भी अनरिपोर्टेड है या हम कह सकते कि जिनके बारे में हम नहीं जानते क्योंकि अपना लिपि तो है नहीं? जी अभी ये जो रिसर्च कमिटी है और ये जो रिसर्च काम है तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो जाते रहेगा। अभी रिसेंटली जब हमारा जब रिपोर्ट सबमिट हुआ था, जिस दिन हमारा रिपोर्ट सबमिट हुआ था उसी दिन स्टेट असेंबली में हमारा बोधगया का जो राजा है लोवांगडोंग जी ना, वांगलिन लोवांगडोंग जी, वो विधायक भी है वहाँ का, तो उसने भी एक स्टार क्वेश्चन पुट अप किया था कि हमारा जो नोक्ते जनजाति भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा था लेकिन आप लोग रिकॉर्ड नहीं किया। तो उसका जो रिटर्न जो एप्लीकेशन मिला है जो सीबीओ से, उसको शायद हमारा जो रिसर्च टीम में ऑलरेडी सबमिट कर चुका है और उसके ऊपर हम लोग गौर कर रहे हैं और रिसर्च अभी फिर शुरू करेगा उसके ऊपर। जी अब रियल रिसर्च शुरू हुआ क्योंकि आपने अरुणाचल प्रदेश से लेके आप दिल्ली गए, दिल्ली के बाद आप विदेश भी गए, तो किस तरह का रिसर्च स्टार्ट हुआ कुछ शेयर करेंगे? ये हमारा जो COVID-19 आया था, हम लोग सब अपना अपना घर में रहना, नेशनल लॉकडाउन हुआ तो सब घर में था, तो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ था जो COVID-19 है। मैं घर में रहकर उसके ऊपर काम कर रहा था जी। तो मुझे ये पता चला कि इंडिया में काफी अर्काइवल रिकॉर्ड्स है, जैसे बहुत रिच है, जैसे असम स्टेट आर्काइव्स भी काफी रिच है, फिर कोलकाता है, फिर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है और नेहरू मेमोरियल है जो दिल्ली में। ये बात मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी के बारे में जाना कि उसमें बहुत रिच मीन्स इट्स अ ह्यूज कलेक्शन, मैसिव कलेक्शन ऑफ आवर पीपल्स, हम लोग का जो हमारा इंडिजिनियस के ऊपर भी काफी कलेक्शन है बोल के मुझे पता चला। फिर कुछ साइट्स में अमेरिका का भी साइट्स कुछ कुछ मिला उस समय, और अमेरिकन बाप्टिस्ट मिशन यहाँ आए थे नॉर्थ ईस्ट में, वो लोग का भी काफी रिकॉर्ड्स है, वो सब के बारे में पता चला मैं। उस समय तो सिर्फ थ्योरी लिख जाना ना, देन मैं कुछ कुछ ऑनलाइन प्रोक्योर करने ट्राई किया और ब्रिटिश लाइब्रेरी से या दिल्ली से भी, लेकिन उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स था, फुली काम नहीं कर पाया और उस समय वहाँ का भी स्टाफ कम था COVID-19 के कारण। तो जब नेशनल लॉकडाउन खुल गया तो और मैं फुल स्विंग में काम करने लगा तो काफी अर्काइवल कलेक्शन करने मिला, और इसके बाद जब इतना जनजाति उनका कहानी जब मिल गया तो हम लोग इसे टीम एफर्ट मने, और जो आजादी के अमृत है अनसंग हीरोज का तो सिर्फ एक साल का टाइम दिया था, 2021 अगस्त टू 2022 अगस्त के अंदर में काम करना चाहिए जी जी। तो हमारा जब टीम जब मिल गया और ये जब हमारा हिंद मिल गया, कहानी की जो लीड मिल गया जो सीबीओ से, हम लोग सब ग्रुप अपना अपना ट्राइब जो जो हमको असाइन किया उसके ऊपर काम किया, और हम लोग जैसे स्टेट आर्काइव्स गया ऑल ओवर इंडिया जहाँ में हमारे रिकॉर्ड्स मिल सकता वहाँ हम लोग गया, जैसे सेलुलर जेल में भी गया, कोलकाता में गया, गुवाहाटी में गया, फिर दिल्ली में काफी दो बार गया मैं, करीब 2 महीना बैठा मैं, और इसके बाद हम लोग लंदन में जाने मिला, और जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है लंदन का इट्स अ वेरी रिच कलेक्शन, वहाँ हम लोग गया, काफी दिन ब्रिटिश लाइब्रेरी में काम किया, देन ब्रिटिश म्यूजियम में काम किया। ब्रिटिश म्यूजियम में तो इतना काम करने नहीं मिला, वहाँ में इतना रिकॉर्ड्स नहीं था, वो तो सिर्फ व्यू करने मिला। देन हम लोग गोरखा म्यूजियम में भी गया, वेंचेस्टर में है, देन हम लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, पीस रिवर म्यूजियम काफी रिच कलेक्शन है, और ऐसे जो नेशनल आर्काइव्स है जो यूके का उसमें भी गया, और बहुत सारा रिकॉर्ड्स, ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स जो 18th सेंचुरी का है, 19th सेंचुरी का है, हम लोग ने प्रोक्योर करके लाया, काफी फोटोज जो रेयर फोटोज है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आया वो सब लोग वहां से प्रोक्योर करके लेके आया है, या मैं हमारा जो रिसर्च टीम के पास है अभी। ये तो बात हुई आपने किस तरह से रिसर्च किया, क्या क्या लाए, कहाँ करके, ये तो हुई बात फैक्ट्स एंड फिगर्स की। जैसे आपने कहा कि सेलुलर जेल भी गए थे या तो जब लंदन गए थे, तो आपको कैसा फील हुआ कि हमारे लोगों ने या अरुणाचली लोगों ने भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी अपनी जमीन के लिए, अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए, तो वो पर्सनल जो एक फीलिंग था कैसा था? मैं काफी खुश था, और मैं विद लॉट ऑफ प्राइड आई कैन से दैट हमारा जो जनजातियाँ हैं जो इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दे हैव देयर ओन एसेंस ऑफ देयर
आइडेंटिटी, देयर ओन कल्चर, देयर ओन ट्रेडिशन. हम अभी मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि हम लोग जब हमारा जो अनसंग हीरो जो वांचोस के ऊपर काम कर रहे थे, तो मैं हमारा जो कहानी में हमारा जैसे वांगचिन का नाम, हुनजिंग का नाम हमें बताया गया कि ये लोग ने लीड किया है. तो जब वो लोग का नाम फिर ब्रिटिश का रिकॉर्ड्स में जब मिला, तो आप सोच के देखिए कितना खुश था. तो अभी को रिलेट कर सकता है वो जो कहानी है ना. अभी जैसे सेनवा राजा का नाम है, हमारा ओरल टेल्स में काफी क्लियरली बताया गया कि सोमबंग वांगहामडा, तो वही राजा का नाम अभी ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में लंदन में मिलता है. कितना गर्व की बात है ना. तो हमें पर्सनली बहुत कंटेनमेंट फील किया, बहुत खुश था, और काफी मतलब इट वॉज अ प्राउड मोमेंट. इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, यू नो, टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ वांचो. एंड ऑल्सो ये अभी पब्लिक डोमेन में आ रहा है, तो कितना खुश की बात है हमारा. जैसे अभी खमती राजा के बारे में निकल रहा है, अभी जो अबोर वार्स है, अबोर वार्स तो बहुत मैसिव वार्स है जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में इतना ज्यादा है. इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस. इट इज अ प्राउड मोमेंट टू सेलिब्रेट. आई कैन फील किस इमोशन से आप गुजरे होंगे. अभी आपने कहा कि अबोस के बारे में जो आदि कहते हैं हम, उनके बारे में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने खमती के बारे में भी कहा. जब हम खमती की बात करते हैं, तो आपका नाम चाउ फपलालुंग जो खमती वॉरियर्स थे उनका जो रिसर्च है उनके लिए भी आपका नाम लिया जाता है. तो एग्जैक्टली चाउ फपलालुंग जिन्हें रेनुआ गुहाई भी कहते हैं, वे कौन थे? ये जो चाउफा प्लांगलू, चाउफा मीन्स राजा, प्लांगलू जो है राजा को लोग प्यार से प्लांगलू बुलाता था. बेटी का नाम लू था, तो लू का पिताजी चाउफा राजा उस समय रोनो गुहाई का नाम से जाना जाता था. क्यों बोलने से रोनो मीन्स द वॉरियर, ही इज द फाइटर, द वॉरियर, द लीडर. तो जब हम हमारा जब अनसंग हीरोज के वांचोस के काम करते करते मैं जब डीसीएम साहब को, हमारे जो उप मुख्यमंत्री है, जब उसको मिला, तो उसने मुझे बताया कि ये चाउफा प्लांगलू भी हमारा राजा था जिनने ये ब्रिटिशर्स को भगाया था, सादिया में वार किया था बोल के ना. तो जब हम रनुआ गुहाई के ऊपर जब काम करने शुरू किया, तो बहुत सारा रिकॉर्ड्स मिला है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंटेम्पलेटेड वार्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वन ऑफ द फर्स्ट अपराइजिंग्स, वन ऑफ द फर्स्ट अपराइजिंग्स इन दैट मैसिव स्केल. और वो बहुत सोच विचार करके लड़ने वाला वार है. वो ऐसे मतलब कभी गुस्सा हो गया ऐसा नहीं, वो सोच समझ के एकदम प्रिपरेशन के साथ, बहुत साल प्रिपरेशन के साथ वार किया वाला द खमती रिबेलियन ऑफ 1839, जिसके नाम से वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिला मिलता है ना. इट इज वन ऑफ द मतलब फर्स्ट अपराइजिंग्स जिसमें पॉलिटिकल एजेंट मार गिराया जी कर्नल आदम वाइट को. तो अभी हम लोग जब रिकॉर्ड्स आर्काइव पढ़ता है, तो 1830 से जब 1826 में जब ब्रिटिशर्स आया सादिया में, तब से वो लोग नाराज था कि ब्रिटिशर्स क्यों आया हमारा हमारा जो प्रोविंस में. तब से वो लोग विचार करता है कि ये लोग को मार के भगाना है. और 1830 में रोनुआ का नाम लिखा गया कि एंड ही वाज अपसेट विद द ब्रिटिशर्स, काफी गुस्सा था. और वो एक 10 साल नियरली डेकेड्स ऑफ वॉर प्रिपरेशन, उसके साथ काफी उसका भाई दादा लोग था जिनके नाम तोवा गोहाइन है, कैप्टन गोहाइन है, और फिर जो कुंफा था जो सदिया खोआ गोहाइन बन के जिसको गुवाहाटी जल में ले गया. तो वो लोग काफी प्लान करके अटैक करता है 1839 में जनवरी 28 में. और सबसे बड़ा बात कि वहाँ का कमांडेंट, असम राइज इन्फेंट्री का जो कमांडेंट था, जो पॉलिटिकल एजेंट था, कर्नल आदम वाइट को मार के गिराया विद अराउंड 80-80 कैजुअलिटीज, 62 स्पॉट डेड. वो लोग ने मार के सदिया का जो आर्मी कंटेनमेंट था उसको अटैक किया. हम आशा करते हैं कि हमारे सुनने वाले जिन्हें चौफा प्लालुंग या कहें कि रनुआ गोहाई के बारे में कुछ पता नहीं था, बहुत कुछ जाना होगा. बात करेंगे आपके कम्युनिटी की. वंशा जी, आप खुद वांचो कम्युनिटी से और वांचो कम्युनिटी की बात करते हैं, वांचो वॉरियर्स ने भी ब्रिटिश के साथ लड़ाई लड़ी थी और आपने इस पर एक रिसर्च भी किया है जिसको कहते हैं निनू मैसेकर. ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि निनू मैसेकर क्या था. निनू मैसेकर जो है एक वांचो ब्रिटिश की कन्फ्रंटेशन की कहानी है, जिसमें 1875 में एक एक्सपीडिशन पटका हिल्स में जाने के लिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजता है. तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्सपीडिशन सर्वे टीम को भेजता है, तो हमारा जो निनू राजा है उस समय वन ऑफ द मोस्ट रिनाउन चीफ था वो, हम जिसको हम लोग नीवंग बोलते हैं, हम लोग का जो जगह का और निनू का पुराना नाम है, ट्रेडिशनल नाम है नीवंग. तो उस समय जो हमारा जो डिप्लोमेटिक जो कनेक्शन था बोधरे राजा के साथ था और नामसंग के राजा के साथ था, तो हमें खबर मिलता है कि हमारा जो उस समय का राजा खुनजिंग को ये खबर मिलता है कि ये ब्रिटिशर्स लोग, फॉरेनर्स लोग आपकी जमीन को नापने आ रहे हैं. तो आप सोच के देखिए कितना गुस्सा हो गया, अरे हमारा जमीन का राजा है ना उस समय, तो हमारा जमीन को नापने किसका हिम्मत है. जी जी, राजा ने ऐसे विचार करके उसको मार के भगाना है बोल के विचार किया. फिर वो लोग आने के बाद क्या हुआ, हमारा राजा का बेटा मर के वो मॉर्निंग कर रहा था, सब रो के बैठ रहा था. और हम लोग सम्मान करता है बहुत दिन, काफी एक महीना दो महीना सम्मान करके रहता है, ट्रिब्यूट देता है और
उसको विजिल रखता है, तो उसमें वो लोग आके छेड़खानी किया, तो उसमें हमारा जो बस्ती था और जो सराउंडिंग बस्ती था सब गुस्सा होके मार के भगाए। हम लोग ये फॉरेनर्स लोग का मेन जो मकसद है हम लोग को जमीन नापना है और प्लस हमारा जो कल्चर को भी इंसल्ट करने के लिए आया बोल के वो लोग मार के भगाया। तो उसके बाद सीरीज ऑफ प्यूनिटिव एक्सपीडिशन हुआ 1875 में, फिर 1876 में सारा बस्ती को जला दिया, जैसे नीनू नीसा कायमय लौंकाए कामो नोक नुकसा न्यानु बस्ती को भी जला दिया और करीब 8 आदमी को पकड़ के ले गया, जिसमें 7 जो है सन्युआ का है और 1 कामो का है, कामो नोक नुक का जी पकड़ के ले गया। नीनू मैसेकर पर बेस्ड ही आपने एक किताब भी लिखा है जिसका नाम है द नीनू मैसेकर, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे एक किताब भी लिखना है? हम जो पहले बता रहा था कि जब मैं जब कॉलेज से ग्रेजुएट होके मास्टर्स ज्वाइन किया था राजीव गांधी में 2012 में, शिकागो से एक फोटो मिला जो 4 आदमी का जो फोटो है जी। वो हमारा जो कानूबर का विधायक उस समय जर्नलिस्ट था उसने लेके आया जी जी। तो काफी इम्प्रेस हुआ मैं भी कि अरे ये तो हमारा परदादा का जो कहानी है उसके ऊपर मैं काम करना चाहिए, उसके उसके ऊपर काम करके मैंने किताब 2018 को लिखा, इसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में लाना है, छोटा सा किताब है लेकिन ये पहला मतलब हमारा स्टेप था जिस हम जो है हमारा जो कहानी है जो फेमस नीनू मासकर को एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेके आया जी जी। वंशज जी, इन अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बारे में कई थिएटर प्लेस भी स्टेज हुए हैं, आप क्या डिफरेंसेस फील करते हैं जब हम डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं या तो हम थिएटर में प्ले देखते हैं इन अनसंग हीरोज के बारे में? मुझे बहुत अच्छा मौका मिला रेकिन साहब के साथ काम करके, हमारा जब जो स्टेट कोर कमेटी का जो चेयरमैन था डीसीएम साहब ने मिलवाया और जिसके ऊपर मैं काम किया, तो खुश नसीब लगता हूँ। प्लस इससे मैनिफेस्टेशन ऑफ यू नो द रिकॉर्ड्स इन द बुक्स और उसको थोड़ा बहुत ड्रामाटाइज किया गया और प्लस यू नो फैक्ट्स एंड फिगर्स रखा है लेकिन वो काफ़ी अच्छा मतलब मीडियम है जी। हमारा जो इंडिजिनियस का कहानी भारत देश को या ये दुनिया को बताने के लिए ये बहुत अच्छा मीडियम लगा मुझे, ये जो थिएटर प्ले जो अरुणाचल रंग महोत्सव स्टेटवुड डे में जो दिखाया है जी, काफी अच्छा एसेट है, वुड से इट्स एन एसेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जी। तो जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या जो प्ले देखते हैं तो आपको क्या लगता है जो प्ले देखेंगे उससे हिस्ट्री के बारे में जानने का थोड़ा बहुत मौका मिलेगा? एकदम, वहाँ में मैं जो बताया थोड़ा ड्रामाटाइज सीन्स है कुछ कुछ जैसे फैमिली सीन्स या जो हंसी मजाक है और एक्टिंग में थोड़ा सीन, बट द प्ले इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, दे आर नॉट बीन डिस्टॉर्टेड, हिस्टोरिकल फैक्ट्स स्टेंस द सेम, तो इट्स ए मीडियम इन विच मतलब हमारा जो जो समाज को बताने के लिए पब्लिक डोमेन में जब थिएटर प्लेस आया बहुत आदमी लोग इन्जॉय किया और देख के बहुत चीज सीखने मिला ना जी, ओके दिस इज द स्टोरी जी और दिस इज द फैक्ट दिस इज द हिस्ट्री जी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये ऐसे थे हमारा गवर्नमेंट जो थिएटर प्ले अरुणाचल रंग महोत्सव जो निकला है ना वो एक हमारे लिए ऐसे थे जिसमें हम लोग प्रचार कर सकते हैं हमारा इंडिजिनियस का ऊपर में। आज़ादी का अमृत महोत्सव के कारण इन अनसंग हीरोज के बारे में जानने का मौका मिला, इनके बारे में पढ़ने का मौका मिला, इनके बारे में देखने का मौका मिला, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आई वुड से इट्स अ जर्नी वेयर यू नो बहुत कंटेंटमेंट मिला, काफ़ी खुश हुआ और हमारा काम से मुझे बहुत हमारा जो समाज में भी इज्जत मिल रहा है, प्यार मिल रहा है जी, और इट्स अ मोमेंट टू सेलिब्रेट एंड यू नो पे ट्रिब्यूट टू आवर अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फाइनली इन अनसंग हीरोज ऑफ प्रदेश के अनसंग हीरोज को अरुणाचल गवर्नमेंट ने ही नहीं बल्कि भारत सरकार ने भी इन्हें रिकग्नाइज किया, उन्हें सम्मान मिला, हम कह सकते हैं कि आप सबकी जो एक टीम की जो मेहनत है वो रंग लाए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम तो ये कहेगा कि हमारा जो समाज है जो बहुत सारा हमारा जो वांचोस भी है इवन खमतीस बोलिए या हम अपना जो समाज है यंगर जनरेशन जो है ये कहानी को पढ़ना चाहिए और हम लोग ऑनर करना चाहिए, ट्रिब्यूट करना चाहिए और हम लोग इट्स अ मोमेंट टू टेक प्राइड और इसका सम्मान करते रहना चाहिए भी कि हमारा जो जो शुरुआत है हमारा जो हिस्ट्री है ये है, वी आर नॉट जस्ट पीपल यू नो बट वी हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ए वेलेरस हिस्ट्री इंडिजिनियस ऑफ अरुणाचल जो है एक अच्छा हिस्ट्री है और हम लोग हमारे फोर फादर्स को याद करना चाहें। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, तो हम जानना चाहते कि इन रिसर्च के दौरान किन किन कठिनाइयों का और मुश्किलों का सामना करना पड़ा? ओके, इसमें सबसे पहले मैं पहले बताया कि जब हम वांचोस के ऊपर जब काम करने लगा तो क्रिटिसिज्म्स काफी है, इवन जब टेबल में आपने शुरुआत ही नहीं किया आदमी आपको क्रिटिसाइज करने शुरू करता है, दे हैव अ डाउट ये असली है कि नहीं और ये गलत बात है बोलने लगा शुरू, तो थोड़ा बहुत ये सब क्रिटिसिज्म था और दैट आई टुक इट एज डिसगाइज एंजल्स, वो लोगों ने हमें और हिम्मत दिया और उसमें एक था सोशली उसको धीरे धीरे प्रचार करना, वो बहुत कठिन काम है क्योंकि बहुत सारा लोग नहीं मालूम है, अभी यंगर जनरेशन अभी ही सुन रहे हैं कि
नीनू मासाकर हुआ, तो एक वो कठिन था। फिर सेकंड तो हम तो एक छोटा सा लेमैन था, ले स्टूडेंट था, तो हमारा काफ़ी कॉन्स्टेंस था। रिसर्च इज ए बिग सब्जेक्ट एंड विद कॉस्टिंग मनी कॉन्स्टेंस था। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जब काम किया तो फंड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारा टाइम का थोड़ा पाबंदी था, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है एंड इट्स ए वार सब्जेक्ट। 8 जनजाति के ऊपर काम करना काफी शॉर्ट टाइम था वो। आपने कहा कि किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फाइनली इन्हें सम्मान भी मिला, आदर भी मिला। आज पर्टिकुलरली जब बात करते हैं यंगर जनरेशन को विद प्राइड, इनके बारे में जानने का कितनी जरूरत है? सबसे पहले हम लोग अपना जो ट्रेडिशन से कल्चर है हम लोग अपहोल्ड करने बोलता है ना। वी आर ऑल यू नो, हम लोग हमेशा ये डिस्कस करते हैं, संदेश देते हैं कि प्रचार करते हैं कि हमारा ट्रेडिशन और कल्चर को अपहोल्ड करना चाहिए। तो ये सब वार क्यों हुआ? सबसे पहले व्हाई डिड दे वांट टू फॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, व्हाई डिड द खमती फॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश और द अबोर्स ऑफ द निशीज। कहीं ना कहीं ये अपना कल्चर का जब डिसरेस्पेक्ट होने शुरू किया या अपना जमीन के ऊपर, तो आवर फोर फादर्स फॉर फॉर द डिग्निटी ऑफ द पीपल, our people or the identity of our people. तो हमारा जो यंगर जनरेशन से ये एसेंस को ऑनर करना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारा जो जनजाति का जो ट्रेडिशन से कस्टम से हम लोग सम्मान करना चाहिए। तो हमारा जो हिस्ट्री है ये हम लोग को ये सिखाता है कि our forefathers fought for the dignity of our people, our land, our culture. तो हम लोग भी उसको सम्मान करते आगे बढ़ना है, तब तो हमारा सम्मान होगा। When I wear a coat, तो वांचो को जब पहनता है तो आदमी लोग पहचानता है कि वांचो आदमी। तो हाउ डिड द पर्सन नो, क्योंकि हम हमारा लोगो है, हमारा कोट है, एक टुकड़ा है कपड़ा का, लेकिन जब हम ये वांचो कोट पहनते हैं तो हमें आदमी लोग पहचानते हैं। तो उस आइडेंटिटी को हम लोग सम्मान करना चाहिए। दैट हैज कम फ्रॉम अ लॉन्ग वे, दैट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी। जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि पर्टिकुलरली जो आज के युवा है, यूथ है, वो किस तरह से विथ प्राइड इनके बारे में जानना है। तो आज इनके बारे में स्कूल्स में, पर्टिकुलरली हम अरुणाचल प्रदेश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इनके बारे में पढ़ना पढ़ाना कितना जरूरी है? अभी हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है उस दिन मैं भी वो मीटिंग में था स्टेट कैबिनेट का, तो उसमें हमारा जो रिसर्च का कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर आसान रेड्डी जी ना, उसने प्रेजेंट किया जी। तो उसमें करिकुलम का एक पॉइंट था, तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत खुशी से विलिंगली और बहुत एकदम दे अप्रिशिएटेड द एफर्ट एंड द सजेशन ऑफ द रिसर्च कमिटी और करिकुलम में आने जा रहा है। तो हम लोग तो सिर्फ दूसरा का हिस्ट्री पढ़ के आया, जैसे काफी मेनलैंड इंडिया के हिस्ट्री पढ़ के आया, व्हाई नॉट आवर हिस्ट्री, our own people fought for our rights, our land, our culture. तो हमारा जो कहानी है ब्रेवरी का, जो वेलरस कहानी है, तो उसको भी हम लोग इन राइटिंग आ जाना चाहिए और बच्चा लोग हमारा जो यंगर जनरेशन दे शुड बी टॉट, दे शुड लर्न, दे शुड टेक द प्राइड, दे शुड टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग प्राइड फॉर देयर ओन फोर फादर्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिसर्च कमिटी इवन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में भी उसके ऊपर चर्चा चल रहा है कि ये करिकुलम में यूनिवर्सिटी लेवल में भी आना चाहिए और स्कूल लेवल में भी आना चाहिए। जी, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो इनके बारे में रिटन फॉर्म में आना चाहिए, हम ओरल हिस्ट्री कहें या तो अनरिटन हिस्ट्री कहें इन अनसंग हीरोज के बारे में, आज इनके बारे में डॉक्यूमेंट करना कितना जरूरी हो गया है? अभी 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, हम लोग आजादी के हमने जब मना रहे हैं, आई थिंक दिस इज राइट टाइम। अभी हम लोग काफी बार सुनते हैं अमृतकाल, अभी 100 इयर्स तो 25 इयर्स के बाद है। जी जी, तो इट इज द राइट टाइम व्हेन वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रांजिशन। अभी हमारा वो बुजुर्ग ज्यादातर खत्म हो रहा है जी, और कुछ लोग बचा है, तो हम लोग जैसे रिकॉर्ड्स आर्काइवल रिकॉर्ड से भी निकलना है और जो बुजुर्ग से भी हम लोग जो रिकॉर्ड्स ओरल टेल्स को ले लेना है और उसको कोरिलेट करना है एंड मेक दी हिस्ट्री वेरी ऑथेंटिक। तो यंगर जनरेशन में कोई क्वेश्चन एरर्स नहीं होना है। तो अभी आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू डॉक्यूमेंट ओरल विजुअल और इवन जो एविडेंसेस मिलता है उसको एकदम इकट्ठा करके यू शुड प्रेजेंट इट इन सच ए वे दैट इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो, नॉट ओनली इंडिया बट इंटरनेशनली हमारा जो हिस्ट्री है वो प्रचार होना चाहिए। जब हम अनसंग हीरोज की बात करते हैं, हम कहते हैं कि इन अनसंग हीरोज ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कई लोगों का ओपिनियन भी है कि ये जो लड़ाई थी भारत की आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, ये अपने जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई, अपने जैसे अभी आपने कहा कि अपने आइडेंटिटी, अपने कल्चर की लड़ाई थी, इसमें आपका क्या राय है? काफी लोग हमें भी क्वेश्चन एरेस्ट किया कि दे आर नॉट फ्रीडम फाइटर। तो हमारा जो अभी मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा था, उस मेथोलॉजी जिसमें वो अनसंग हीरोज को
कैटेगराइज किया है। लेकिन जब हम लोग जब भारत देश का जब बात करेगा तो 1857 के पहले भी लड़ाई हुआ, 1875 का भी बाद भी लड़ाई हुआ, बहुत सारा जो वार्स है अपराइजिंग से सब भारत देश के लिए ही लड़ेगा, ऐसे नहीं है। हमारा जो जैसे वांचो का जो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वी वे नॉट मोटिवेटेड बाय द प्रेजेंट फ्रीडम फाइटर्स, द नेशन फ्रीडम फाइटर्स जो 1900s के बाद आया, बट देर आर सो मेनी वार्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द इम्पोजिशन द सब्जुगेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो हम लोग उसको भी तो नहीं भूल सकते हैं ना, जो आजादी की अमृत की जो थीम है वो मैच करता है कि अनसंग हीरोज़ है। वो लोग भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश का जो इम्पोजिशन था, सब्जुगेशन जो एटीट्यूड था, या हमारा जो जमीन के ऊपर या हमारा कल्चर को इन्वेट करने का जो विचार था उसको अपोज किया है। तो हमारा जो रिसर्च था स्पेशली अरुणाचल प्रदेश जो है ये इसके ऊपर में है। नॉट ओनली नो, इसको हम लोग समझना पड़ेगा। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हम लोग सुनते हैं, उसका भी काफी उसका भी पर्सनल एनिमिटी भी था, और प्लस उसके ऊपर में इन्वेट करने के लिए काफी चर्चा चल रहा था ब्रिटिशर्स, उसके खिलाफ वो लड़ी थी। तो भारत देश में काफी जो ऐसे लड़ाई है जो अपना बचाव के लिए लड़ा था, तो उसको सम्मान करने में हमारा क्या तकलीफ है। तो हमारा अरुणाचल में भी काफी ऐसे कहानी जो हम लोग सम्मान करना चाहिए। आपने कहा कि जो रिसर्च है कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो शायद कुछ ऐसे ट्राइब्स या कुछ ऐसे जनजातियां छूट गए हो जिनका नाम हम नहीं जानते, लेकिन आगे आने वाले दिनों में उनका नाम भी आएगा जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली और आना चाहिए, क्योंकि अभी जो आदमी का जब रिसर्च ये जो टॉपिक टारगेट जो निकल गया है अरुणाचल के अरुणाचल में, और इट हैज बीन डन यू नो दैट दे मेट वन पर्सन, उसमें एक आदमी को मिला जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी है, उसने बोला कि अरुणाचल सबसे अच्छा से किया है ये अनसंग हीरो के ऊपर में, और दे आर लीडिंग इन द फ्रंट बोला जी। आपका जो अरुणाचल जो है स्टेट कोर कमेटी जो है बहुत सबसे अच्छा से काम किया बोला, मुझे बताया जी जी। तो मैं काफी खुश था। तो हमारा जो काम शुरू हो गया, दिस नॉट द एंड बट इज द बिगिनिंग आई फील, ये जो शुरुआत है हमारा जो रिसर्च का, और काफी और रिकॉर्ड्स मिलने से और निकलना चाहिए। जब हम एंटायर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में मेनलैंड इंडिया जो है बहुत ही कम जानते हैं, या जो जानते हैं आधा अधूरा जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है उनका। तो आपको क्या लगता है कि ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जब हम इन अनसंग हीरोज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, तो वे लोग और नॉर्थ ईस्ट के बारे में कितना जानेंगे? अभी आज़ादी के अमृत का जो कैंपेन चल रहा है, तो हमारा सारा देश के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया, और उसमें अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक वेबसाइट भी बनाया हीरोज बोल के। तो हमारा जो अनसंग हीरोज है, हमारा जो अरुणाचल की भी, वो हमें सबका साथ अपलोड हो गया जी जी। और अभी जो अरुणाचल प्रदेश का जो अरुणाचल रंग महोत्सव, अरुणाचल गवर्नमेंट का जो जो महोत्सव चल रहा है थिएटर प्ले का, सुनने में आया कि वो मेन सिटीज में जाएगा, कोलकाता हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, ऐसे मेन मेन सिटीज में उसको डिस्प्ले किया जाएगा बोलते हैं। तो इट विल बी नो बिग थिंग हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर या अरुणाचल के ऊपर में प्रचार होगा जी। प्रचार की बात कही तो कई अरुणाचली चाहते हैं कि जो अनसंग हीरो से उनके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जिन पे एक मेमोरियल बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कि अरुणाचल टूरिज्म को कितना बूस्ट मिलेगा? ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और हमारा जो स्टेट कोर कमेटी का जो चेयरमैन है डीसीएम सर ने भी ये ऐलान किया कि हमारा अरुणाचल में एक म्यूजियम बनेगा, ट्राइबल म्यूजियम। और उस दिन स्टेट बजट में हम लोग सुनने को मिला कि ऑलरेडी 13 प्लेस में 13 जगह में मेमोरियल अनसंग हीरोज के ऊपर में मेमोरियल बनना चाहिए। जैसे वांचो में हमारे डिस्ट्रिक्ट में, खमटी के लिए नामसाई में, आदी के लिए और अपना डिस्ट्रिक्ट में 13 प्लेसेस आइडेंटिफाई किया है जो रिसर्च कमिटी ने, उसको मेमोरियल बनाया जाएगा। और एक ट्राइबल म्यूजियम या शायद कैपिटल में हो सकता है, तो इट विल बी यू नो टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट होगा, और ये एक टूरिस्ट सर्किट बन सकता है ऑल अरुणाचल में। अभी आका हम लोग जब वेस्टर्न अरुणाचल से लॉन्गडिंग लास्ट डिस्ट्रिक्ट है ईस्टर्न अरुणाचल जी, उसका एक सर्किट बन सकता है टूरिस्ट लोग के लिए इनफ्लो होना, और ये सबको देख सकता है। और स्पेशली जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, काफी बाहर से स्टूडेंट्स आ सकते हैं इसके ऊपर पढ़ने के लिए और हमारे ट्राइब के ऊपर जानने के लिए। तो आगे क्या करने का विचार है? जब थोड़ी देर पहले हमने बार बार कहा कि रिसर्च जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो आगे की क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है? अभी हमारा जो स्टेट कोर कमेटी और अनसंग हीरोज भी डिसॉल्व नहीं हुआ, और हमारा जो रिसर्च कमेटी और अनसंग हीरोज भी डिसॉल्व नहीं किया, वो जारी रहेगा और उसके ऊपर काम चलते रहेगा। पर्सनली आपका जो ओपिनियन है जानना चाहेंगे, मान लीजिए अगर ये लड़ाई नहीं होती, हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो अनसंग हीरोज के बारे में हम जितना जानते हैं उन्होंने ये लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो आज अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री जो है किस तरह का होता? मैं वो उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अरुणाचल का जो इंडिजिनस का जो लड़ाई होके हमें बहुत सम्मान मिल रहा है,
भारत देश में, और वी आर नॉट लैकिंग बिहाइंड। हमारा जो कल्चर का जो एसेंस भी बताने का मौका मिल रहा है, प्लस हमारा जो हिस्ट्री है बहुत रिच है, मैं ये बोलूंगा। तो अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा हमारा जो अनसंग हीरोज काम काफी अच्छा से हुआ। स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल विल है, पेमा खांडू साहब का जो चीफ मिनिस्टर है, और हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है जो जनमिन साहब है, जो स्टेट कोर कमेटी और अनसंग हीरोज का जो चेयरमैन है, वो लोग का एक शानदार पॉलिटिकल विल जो है एकदम मेटेरियलाइज हुआ कि अभी हम लोग हमारा कल्चर को, हमारा जो ट्रेडिशन को और हमारा जो अनसंग हीरोज को सम्मान करना चाहिए और उसको आगे ले जाना चाहिए। आप हमारे स्टूडियो में आए और अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बारे में और साथ ही साथ अपने बारे में इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में आप सुन रहे थे अनसंग हीरोज ऑफ अरुणाचल प्रदेश के शोधकर्ताओं में से एक श्री नेफा वांगसा को। हम फिर हाजिर होंगे एक और नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।